बड़वा नगर के सुपुत्र सैनिक सुनील पिता राधेश्याम को मंगलवार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी। ये देख लोगों की आंखें नम हो गईं। मृतक सुनील भटिंडा में आर्मी में हवलदार के पद पर पदस्थ था। पहली बार दीपावली का पर्व परिवार के साथ मनाने के लिए काटकोट फाटे स्थित अपने घर आया था। वापस लौटते समय अचानक तबियत खराब होने से मौत हो गई। मंगलवार को काटकोट फाटे स्थित निवास स्थान से शव को सैनिक सम्मान के साथ नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा तक ले जाया गया, जहां भटिंडा से पहुंचे सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुखाग्नि छोटा भाई अनिल बामनिया ने दी। मृतक सैनिक के दो पुत्र हैं, 4 वर्षीय मयंक और 2 वर्षीय अविनाश हैं। पोस्टमार्टम के बाद सैनिक के शव को शासकीय अस्पताल में रखा गया। मंगलवार अलसुबह परिजन जैसे ही शव को अपने घर ले गए, भीड़ जमा हो गई। पत्नी बसु भाई, 2 पुत्र, बुजुर्ग पिता राधेश्याम, परिजन शव को लिपट कर रोने लगे। दोपहर 12 बजे जैसे ही भटिंडा से सैनिक पहुंचे तो लोगों की आंखें नम हो गई। छोटे भाई अनिल बामनिया ने बताया कि आनंद फानंद में सैनिक सुनील पिता राधेश्याम को साथियों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। अभी सुनील बामनिया की उम्र लगभग 34 वर्ष ही थी। सैनिक के आकस्मिक निधन की सूचना पर घर में कोहराम मच गया। दोस्त प्रीतेश जाट विजय पटेल ने बताया कि सुबह से ही रिश्तेदार और अगल बगल गांव के लोगों का मृतक के घर शोक संवेदना पहुंचने का तांता लग रहा। बताते हैं कि मृतक बड़ा ही होनहार था। इसी के साथ घर का एक मजबूत स्तंभ इस दुनिया से चला गया। फिलहाल जवान की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा कि आखिर इसकी अचानक मौत क्यों हुई। जवान का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नर्मदा तट पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में जवान के परिजनों के साथ हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।